हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है एशोपी और आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि हमने एक ब्रांड न्यू मेबैक खरीदी थी जो कि गाइस पीछे खड़ी है, लेकिन गाइस उस मेबैक को चलाने के लिए एक स्पेशल ड्राइवर की आवश्यकता है और जो कि हमने दुबई से मंगवा लिया है और वो थोड़ी देर में अपने प्राइवेट जेट की मदद से लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। तो गाइस हमें उसे पिकअप करने के लिए आज एक स्पेशल गाड़ी लेके जानी पड़ेगी और वो है गाइस लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। तो गाइस अभी मैं फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी निकालता हूँ और सीधे चलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। और क्योंकि गाइस ये लैम्बोर्गिनी 2-सीटर है इसलिए मैं ट्रेवर को साथ में लेके नहीं जा सकता हूँ। वैसे गाइस सच बताओ तो यार इस गाड़ी को चलाने में ना मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत कम है। तो गाइस अभी भी मेरी बात दुबई के शेख से हो रही थी जिसने गाइस हमारे लिए उस ड्राइवर का इंतजाम किया है दुबई से। लेकिन गाइस उसने मुझे कहा था कि यार एक स्पेशल गाड़ी लेके जरूर जाना और प्लीज अपनी मेबैक लेके मत जाना, क्योंकि अगर मैंने ड्राइवर को ऐसा दिखा दिया कि उसके बिना भी मेबैक चल सकती है तो भाई यार वो तो एकदम गैर जिम्मेदार हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस दुबई के शेफ ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी, कोई भी गाड़ी लेके जाना लेकिन मेबैक लेके मत जाना। तो गाइस अभी अपन निकल चुके एयरपोर्ट की तरफ। वैसे गाइस यार आज ना शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि आज है गाइस ट्यूसडे। वैसे मैं आपको बता दूं हमें ना आज बहुत सारे काम है। एक्चुअली हमें लिबर्टी सिटी की तरफ भी जाना है क्योंकि गाइस वहां पर ना एक बहुत ही पुराना वीड फार्म है जो कि गाइस वहां के ओनर्स को बेचना है और ट्रेवर कह रहा था वो वीड फार्म हमें काफी ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट देने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा था उस वीड फार्म को खरीद ही लेते हैं यार। लेकिन यार एक मिनट, यहाँ पर ओ भाई साहब ये देखो, ये रहा वो प्राइवेट प्लेन। लेकिन यार ये घास के ऊपर से प्राइवेट प्लेन क्यों चला रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है गाइस इसका पायलट थोड़ा पागल है। ऑलराइट, तो गाइस हमारा ड्राइवर जो है फाइनली आ चुका है। लेकिन भाई तूने ये क्या किया है। ऑलराइट, तो गाइस अभी मेरी दुबई के शेख से बात हो रही थी और उसको मैंने बता दिया कि उसका जो ड्राइवर है वो फाइनली लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। लेकिन आते ही उसने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है जो कि वाइज मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इस ड्राइवर के कपड़े तो देख लो भाई, क्या बात है। एनीवेज गाइस अब जल्दी से इसे अपनी लैम्बोर्गिनी में बिठाते हैं और सीधे घर लेके चलते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना इसके जरा कपड़े अपड़े बदल लूँ क्योंकि यार ये इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, इसे थोड़े फैंसी कपड़े पहना देते हैं। हाँ माना कि ये ड्राइवर है हमारा, लेकिन फिर भी यार मैं सोच रहा हूँ इसे थोड़ा सा माफिया लुक, यानी कि गाइस इसे कोई मास्क वास्क पहना दे, कोई हैट पहना दे, उसी के साथ इसकी जरा बॉडी वॉडी बना देते हैं। तो गाइस यार ये ना एकदम ड्राइवर कम सिक्योरिटी गार्ड भी लगेगा यार हमारा, क्योंकि ये अपनी मेबैक चलाने वाला है तो गाइस पर्सनालिटी भी तो वैसी होनी चाहिए। तो गाइस हम लोग फाइनली एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, अब सीधे चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अभी भी मेरी ड्राइवर से बात हो रही थी और उसने मुझे कहा यार वो ना लॉस सैंटोस में इससे पहले भी आ चुका है। एक्चुअली ये पहले ना अंडर वाटर माफिया के लिए काम करता था, उसका ये पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था। क्योंकि अंडर वाटर माफिया ने इसे सैलरी नहीं दी इसलिए इसने इसका जॉब छोड़ दिया था। तो गाइस अभी है ना हम लोग फाइनली अपने घर पर पहुंच चुके हैं और लैम्बोर्गिनी की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है और ये मेरी ड्राइविंग स्किल्स देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। और वैसे मैं आपको बता दूं यार मुझे है ना ऐसी ही मतलब एकदम मेरी जैसी गाड़ी चलाने वाला ही बंदा चाहिए था। एनीवेज गाइस हम लोग है ना फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पर, तो फटाफट से अपनी जो लैम्बोर्गिनी है उसे यहाँ पर पार्क कर देते हैं, इसे जाके इसका काम दिखा देते हैं क्योंकि ये गाइस अब लैम्बोर्गिनी तो नहीं लेकिन ये चलाने वाला है अपनी मेबैक जो कि गाइस ब्रांड न्यू मेबैक है। चल भाई अब मेरे पीछे पीछे आ जा। हाँ भाई ड्राइवर ये देख, ये है वो ड्राइवर जो कि दुबई से हमारी मेबैक चलाने के लिए आया है। ओके ड्राइवर तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये जो बंदा है ना ये है ट्रेवर, ये मेरा पर्सनल दोस्त है, मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड कहो, मेरा अकाउंटेंट कहो, मेरा सेक्रेटरी कहो, जो कहना है कहो, लेकिन ये मेरा सबसे खास आदमी है और आज से तुम्हें इसे फॉलो करना होगा। ये जो कुछ भी तुम्हें कहेगा उस बात को तुम्हें फॉलो करना ही होगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है यही गाड़ी आपको चलानी है क्योंकि ये स्पेशली मैंने दुबई से इम्पोर्ट किया है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ओके ट्रेवल तो अपन एक काम करते हैं फटाफट से वीड फार्म पे निकलते, क्या कहता है। अरे हाँ यार माइकल अपने को तो वीड फार्म पे जाना है ना, उसकी लैंड भी तो खरीदनी है। हाँ यार वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, चलो ट्रेवल तुम एक काम करो वीड फार्म पे लेके चलो हमें। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके अपने वीड फार्म की तरफ। एक्चुअली गाइस ये जो वीड फार्म है ना ये लिबर्टी सिटी के एक सबसे पुराने फार्मर का है। यहाँ पर गाइस वीड फार्म यानी कि गाइस गांजे की खेती हुआ करती थी, लेकिन गाइस वहां पर ना एक रेड पड़ गई और उसके बाद गाइस वो पूरे के पूरे जो खेती थी उसे गाइस नार्कोस डिपार्टमेंट ने सीज कर दिया। लेकिन गाइस अभी 50 साल हो चुके हैं
उस चीज को। और गाइस फाइनली उन लोगों ने इस लैंड को रिलीज कर दिया है सेल के लिए। तो गाइस वहां का जो ओनर है ना, उसका जो पोता है, वो गाइस अभी है ना इस फार्म को, इस जमीन को बेचने के लिए निकाल रहा है। और ये बात जैसे ही गाइस लेस्टर को पता चली, उसने गाइस तुरंत मुझे फोन कर दिया। क्योंकि गाइस इस लैंड के बारे में एक खास बात ये है कि गाइस यार ये जो लिबर्टी सिटी वाला जो हाईवे है ना, जो कि गाइस हमारा नेशनल हाईवे है, उसी हाईवे के बाजू में ये जमीन है। थोड़ी सी दूर है, अंदर जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन गाइस लेस्टर और मैं प्लान कर रहे हैं कि वहां पर ना एक बहुत ही बड़ा सा होटल हम लोग बना दे, जैसे कि हमारे लॉस सेंटोस में है 5-स्टार होटल, वैसा कोई होटल बना दे। और उसके बाद उस जमीन से हम लोग सीधे नेशनल हाईवे पर एक रास्ता बनवा के उसे गाइस एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बना दे। तो गाइस यार इसके बारे में अभी अभी मेरी लेस्टर से बात हो गई, और लेस्टर ने कहा कि तू पहले जाके जमीन देख ले, उसके बाद हम लोग सारा का सारा टाउन प्लानिंग करते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली अभी निकल चुके हाईवे पर, और ये हाईवे हमें सीधे लेके जाएगा अपने वीड फार्म पर। तो फटाफट से चलते गाइस अपने वीड फार्म पर। तो गाइस अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज इस वीडियो को लाइक तो करना ही आप लोगों को, उसी के साथ साथ अपने इस चैनल को यानी कि एश ओपी के इस चैनल को, इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना। और आपके पास एक स्पेशल ऑप्शन है जो कि गाइस इस वीडियो को शेयर करने का। तो गाइस जो भी लोग शेयर करते हैं उनको हर अगले वीडियो में शाउट आउट मिलता है। ऑल राइट, तो हमें यहां से लेफ्ट लेना है। वो जो आपको सामने रास्ता नजर आ रहा है, ये वही रास्ता है जो कि वीड फार्म की तरफ जाता है। इसलिए मैंने कहा था गाइस कि इस हाईवे से ना थोड़ा सा हमें अंदर जाना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार हमारा होटल तैयार हो गया ना, उसके बाद गाइस हम लोग एक डायरेक्ट रास्ता तैयार कर देंगे। और एक मिनट, यहां से मुझे राइट, तो गाइस यहां से राइट लेना था। ड्राइवर को ऑलरेडी मैप पे मैंने लगा दिया, अपनी मेबैक में मैप लगवा दिया हम लोगों ने। तो गाइस अभी है ना ये देखो ऑफ रोडिंग कर रहा है भाई अपनी मेबैक से। एक्चुअली गाइस इससे पहले ना ये रोल्स रॉयस चलाता था, ऐसा ये कह रहा है मुझे, इसलिए गाइस इसे ना लग्जरी गाड़ी का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली पहले ये रोल्स रॉयस कलिनन चलाता था। तो गाइस हम लोग फाइनली उस वीड फार्म पर पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से अपनी गाड़ी रोक देते हैं। ओके ड्राइवर, तो हम लोग आते हैं बस 2 मिनट में, ठीक है? चल भाई ड्राइवर, अब फटाफट से जाके इस वीड फार्म के ओनर से बात करते हैं यार। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके वीड फार्म के ओनर के पास। भाई ये लगता है ओनर का पोता है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसी ने शायद लैंड बेचने के लिए निकाली है। जल्दी से जाते इससे बात करते हैं, लगता है ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहां पर खड़ा है। हेलो सर, मेरा नाम है माइकल, एक्चुअली मेरी आपसे फोन पर बात हो गई थी इस लैंड को खरीदने के बारे में। ओ हाय हाय माइकल, हाँ मेरी बात हो गई थी यार, एक्चुअली ये जमीन मेरे दादा पर दादा की है, ये नार्कोस डिपार्टमेंट ने इसे सील कर दिया था यार, अब क्या बताए। अब यहाँ पर वीड वीड की कोई खेती वेती तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ जमीन को बेच दूँ, और मैं सोच रहा हूँ इस जमीन को बेच के करोड़ों रुपए कमा लूँ। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है, इस जमीन को खरीद के तुम क्या करने वाले हो? अरे यार मेरा तो वैसा कोई प्लान नहीं है, वैसे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो बड़ा सा वेयरहाउस टाइप दिख रहा है, इसमें अंदर क्या है भाई? अरे सर वहाँ पर कुछ नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर पहले बहुत सारे वीड की खेती हुआ करती थी 50 साल पहले, और उसे नार्कोस डिपार्टमेंट ने जब सीज कर दिया ना, तो यहाँ के सारी वीड जो है नार्कोस डिपार्टमेंट ने जला दी। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो, अभी हम लोग है ना गाय भैंस यहाँ पर पालते हैं, और उसी के साथ उनका दूध निकाल के बेचते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा पैसा कमा सके। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो गाइस एक मिनट, ये बंदा कौन है, ये जो टकले आदमी खड़े? अरे सर ये मेरे पापा है। अच्छा उनको पता है तुम जमीन बेच रहे हो? हाँ सर पता है। चलो गाइस ठीक है, मतलब यार देखो पेपर तो क्लियर है इस बंदे के, इसने मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट तो भेज दिया था, लेकिन अब गाइस मुझे जिस बात का शक था वो भी क्लियर हो चुका है कि इसके पापा को इस जमीन को बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई एक काम करते हैं, मैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात करके ना तुम्हारा पेमेंट करवा देता हूँ, और ये जमीन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। ऑलराइट, तो गाइस मेरी फाइनली अकाउंट डिपार्टमेंट से बात हो चुकी है। ठीक है भाई तुम्हारे पैसे जो है वो तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएंगे, और ये जमीन जो है हम लोगों को 2 दिन में खाली चाहिए, ठीक है? मतलब ये सारा चीज जो है तुमने लगा के रखा ना, ये सब उठा के लेके चले जाओ, मुझे एकदम प्लेन जमीन चाहिए। और लेस्टर से तुम्हारी बात हो गई थी ना? हाँ सर हो गई थी। चलो भाई ठीक है। चलो गाइस हम लोग है ना फाइनली इस वीड फार्म की डील खत्म कर चुके हैं, यानी कि गाइस हम लोगों ने इस जमीन को अभी खरीद लिया है, और इस डील को पता है हम लोगों ने कितने करोड़ में क्रैक किया है? इस डील को हमने क्रैक किया है गाइस 7 करोड़ में। क्योंकि गाइस देखो यहां पर ना इस वक्त ये जो जमीन है इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर पूछी जाए किसी से, तो भाई हम लोगों ने इससे पहले भी यहां पर इंक्वायरी की थी जब गाइस ये जमीन बेचने के लिए नहीं थी, और उस वक्त हमें 15 करोड़ कहां गया था, लेकिन अब गाइस इस बंदे को
पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसीलिए गाइज इसने हमें 7 करोड़ में इस जमीन को बेच दिया है। तो गाइज हम लोगों ने इसका पेमेंट जो है वो करवा दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात करके। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधा नेशनल हाईवे जो आपको सामने रोड नजर आ रहा है वहां से एक सीधा रोड बनाएंगे ताकि गाइज हमारे होटल पे आने के लिए गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। चलो भाई ड्राइवर फटाफट से गाड़ी निकालो, चल भाई ड्राइवर बैठ जा। तो गाइज अभी इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं विंसली के पास। विंसली कौन है? ये गाइज है हमारे दोस्त मार्टिन मद्रासो का भाई जो कि रहता है गाइज पलीटो के पास। एक्चुअली गाइज उसके पास ना एक सिक्योरिटी एजेंसी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे ना थोड़े सिक्योरिटी गार्ड्स मंगवा ही लेते हैं, क्योंकि गाइज इस वक्त मेरे पास है गाइज ये 4 करोड़ की मेबैक गाड़ी, ये कभी भी चोरी हो सकती है कि नहीं गाइज। और इसी वजह से गाइज हमें जरा घर पे सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे घर पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन लग्जरी गाड़ियां हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक है अपनी डिफेंडर जो कि ट्रेवल चलाता है, एक है अपनी ये जो मेबैक है जो कि गाइज हमारा ड्राइवर चलाता है और इसमें हम ही सफर करते हैं, और तीसरी गाड़ी अपनी लैम्बोर्गिनी जो कि गाइज है जिमी के पास। अब गाइज जो ट्रेसी की मिनी कूपर है वो गाइज किसी कारण एक्सीडेंट में खराब हो गई है, और वो गाइज जब तक रिपेयर नहीं हो जाती तब तक उस गाड़ी का तो कोई टेंशन है ही नहीं। और आपको पता ही होगा वो जो लाल गाड़ी है वो गाइज है अमांडा की। वैसे गाइज अमांडा कह रही थी उसके लिए ना एक ब्रांड न्यू गाड़ी उसे मंगवानी है दुबई से, एक लग्जरी गाड़ी। अब मैं सोच रहा हूँ कौन सी गाड़ी मंगवाऊ, तो गाइज अगर आपकी सजेशन में कोई गाड़ी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लोग वीडियो को लाइक करते तो हो यार लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो भाई यार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट में ये लिख के जरूर बताना कि अमांडा के लिए हम लोग कौन सी गाड़ी दुबई से इंपोर्ट करवाए। अब मुझे मत कहना भाई 4 करोड़ 5 करोड़ वाली गाड़ी, क्योंकि यार अमांडा को इतने गाड़ियों का शौक है नहीं। एक्चुअली उसकी जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और इसीलिए वो कह रही थी कि हम एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद ही लेते यार। तो अभी है ना हम लोग नेशनल हाईवे से एग्जिट कर रहे हैं इस वाले सेक्शन पे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाइज सीधे पलीटो की तरफ। तो गाइज अब जल्दी से यहाँ से राइट ले लेते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो रास्ता काफी ज्यादा खराब है यार, यहाँ पर देखो गड्ढे कितने ज्यादा। ओ भाई 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 गड्ढे बहुत खतरनाक है। तो गाइज देखते ही देखते हम लोग फाइनली पलीटो पहुंच चुके हैं और बस हमें यहाँ से ना एक लेफ्ट लेना है। एक्चुअली ये जो विंसली है ना ये गाइज हाई सिक्योरिटी में रहता है इस एरिया के अंदर, क्योंकि आए दिन उस पर हमले होते रहते क्योंकि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। और आपको तो पता ही होगा लॉस सेंटोस में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस सिक्योरिटी एजेंसीज का। ऑलराइट तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके उसके घर पर और हमारा जो ड्राइवर है वो यहीं पर हमारा इंतजार करने वाला है। चल भाई हम लोग आते हैं 10 मिनट में, ठीक है? ओके सर ओके। तो गाइस अभी है ना फटाफट से जाते हैं और विंसली से बात करते हैं। एक मिनट, विंसली के घर के बाहर जो सिक्योरिटी है ये क्या खतरनाक लोग लग रहे हैं भाई। एक्चुअली मैंने मार्टिन को पहले ही फोन कर दिया था कि मैं विंसली से मिलने के लिए जाने वाला हूँ, और ओ भाई, भाई 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 क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पर इतना अंदर से कौन गाड़ी चलाता है? अच्छा लगता है गाइस ये लोग सिक्योरिटी से डर के ना खप खपा के यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं। एनीवेज हाय मेरा नाम है माइकल, एक्चुअली मैं विंसली से मिलने आया हूँ। ओके ओके ठीक है। तो गाइस ये सिक्योरिटी ने कह रहा है कि सर आपका इंतजार अंदर हो रहा है, आप जल्दी से अंदर जाइए। तो गाइज एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं। विंसली वैसे है कहाँ पर? वो पक्का अपने कैफे के पास होगा। एक्चुअली इसके घर में ना एक कैफे भी है जहाँ पर वो चाय शाय पीता है, और वहाँ से ना पूरा माउंटेन लुक आता है उसे। गाइज पानी वानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए गाइज उसने माउंटेन व्यू वाला ये घर खरीदा है। ये रहा विंसली। गाइज ये एक्चुअली मार्टिन का एक छोटा भाई है जो कि गाइज उससे उम्र में 10 साल छोटा है। हेलो विंसली, मेरा नाम है माइकल, एक्चुअली तुम्हारी बात हो गई होगी मार्टिन से। एक्चुअली मार्टिन ने मुझे कहा भी आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? हाँ यार एक्चुअली ना मैंने रिसेंटली एक मेबैक खरीदी है, उसी के साथ साथ मैंने खरीदी है एक लैम्बोर्गिनी और डिफेंडर भी है घर पे, और मैं सोच रहा हूँ ना घर पे सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुमसे सिक्योरिटी टीम ही हायर कर लूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताओ आपको कौन सी सिक्योरिटी चाहिए, जर्मनी वाली, यूके वाली, यूएस वाली, या फिर आपको रशियन सिक्योरिटी चाहिए? एक्चुअली मुझे ऐसी कोई स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए जो कि भाई मेरी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करे और मेरे घर के लोगों को भी। एक्चुअली घर पर 6 लोग हैं तो इसीलिए मैं सोच रहा था कोई हाई सिक्योरिटी अगर तुम दे दो। ओके सर ओके मिल जाएगी, मुझे स्पेशली इंपोर्ट करवानी पड़ेगी उन्हें रशिया से, क्योंकि रशियन सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ओके ओके सर थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी है ना मेरी बात हो चुकी है विंसली से और उसने कहा है कि वो रशियन सिक्योरिटी हमें देने वाला है क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गाइस हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं करना है लेकिन उसी के साथ साथ हमारी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। जो कि गाइस हमारी फैमिली में कौन कौन है,
जिमी, अमांडा, ट्रेसी, मैं, ट्रेवर और फ्रैंकलिन। तो गाइस हम लोग टोटल इतने सारे लोग हैं, तो इसीलिए गाइस हमें प्रोटेक्शन भी अच्छी और तगड़ी चाहिए। वैसे फ्रैंकलिन आए दिन आते जाते रहता है, उसका तो टेंशन नहीं है, वो अपनी सिक्योरिटी खुद देख लेगा, लेकिन हमें इस वक्त अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो गाइस एक मिनट, यहाँ पर ना फायरिंग की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, हो क्या रहा है भाई? ट्रेवर जरा देख लियो। ओ भाई वो क्या हो रहा है सामने? गाइस वो देखो सामने, भाई साहब लगता है किसी गैंग के और पुलिस के बीच में हाथापाई हो रही है। ओ भाई साहब रुको, यहीं पर देख के, यहीं पर बैठ के तमाशा देखते। उल्ले भैया एक को पेल दिया पुलिस और, ओ भाई यहाँ से भी और एक गैंग आ गई। भाई साहब हमर भर के बंदे आ गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं पुलिस को तो इन लोगों ने दोनों तरफ से घेर लिया। ओ भाई साहब गाइस पुलिस वालों को तो ढेर कर दिया यार इन लोगों ने। गाइस ये लोग तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। एक मिनट, अभी इन लोगों में से सिर्फ तीन बंदे बचे और एक बंदे ने गाड़ी निकाली। ये क्या है? ओ शिट, अरे भाई 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 इसने तो दोनों को चेप दिया। भाई साहब धोखेबाज गाइस, ऐसे धोखेबाज, अरे बाप रे गाड़ी लेके निकल रहा है भाई। इसने तो पुलिस को भी मार दिया और अपने बंदों को भी खत्म कर दिया। रुको मैं अपनी गन निकालता हूँ, इसकी भैंस की टांग। ये निकाली मैंने अपनी गन, अब दिखाता हूँ साले को। ए ए ए तो भाई बच गया बच गया, ये पक्का मुड़ के आएगा। ये लो उसने गाड़ी मोड़ दिया। रुको गाइस अभी इसको दिखाता हूँ, इसकी भैंस की टांग। ए ए ए ए अरे ये गया, चल बेटे तुझे भी सजा मिलगी। अरे एक मिनट, ये विंसली की सिक्योरिटी मुझे क्यों मार रही है? अरे नहीं 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 सर, सर सर मुझे मत मारो। अरे मैं उस बंदे को, तेरी भैंस की टांग ले भैया ले, मार ट्रेवर साले को। भाई अब मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, उसने मेरे ऊपर मशीन गन थाम ली। एनीवेज गाइस अब एक काम करते, फटाफट से यहाँ से निकलते इससे पहले कि और कोई कांड हो जाए। एक मिनट, मेरा ड्राइवर कहाँ गया? अभी तो यहाँ पर खड़ा था। अबे यार लगता है ये सूसू करने के लिए नीचे चला गया। हाय कसम से, रुको उसको फोन करता हूँ। अबे तू कहाँ पर है भाई, गाड़ी छोड़ के भाग गया? अरे सर आ रहा हूँ, सूसू करने गया था। चलो भाई ठीक है। अबे यार ये ट्रेवर सूसू करने के लिए गया यार, पता नहीं अब ये कब आएगा। एक मिनट ये देख, आ गया। भाई तू कहाँ गया था यार, गाड़ी छोड़ के कैसे क्या जा सकता है? अरे सर सॉरी, सूसू आ गई वो गोलियों की आवाज सुन के। चल भाई फटाफट से गाड़ी निकाल और सीधे घर की तरफ मोड़ ले भाई गाड़ी को। भैंस की टांग, पता नहीं यहाँ पर कैसे क्या हमला हो गया, पुलिस और इस गैंग के बीच में झगड़े हो गए। और भाई ये देखो चार चार लोगों को यहाँ पर चपेट दिया, पुलिस वालों को भी। भाई पुलिस वालों की लाशें उठा के लेके गए और इस गैंग की लाशें यहीं पर अभी तक पड़ी है। गाइस ये देख रहे हो एरिया कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी मैं बोलूं विंसली ने इतनी हाईटेक सिक्योरिटी क्यों रखी है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई तो गैंग वॉर होते ही रहता है। एनीवेज गाइस मेरी अभी अभी अमांडा से बात हो रही थी और अमांडा ने मुझे कहा कि यार इस गाड़ी का यानी कि मेबैक का कलर जो है वो चेंज किया जाए, क्योंकि गाइस यार ये जो मेबैक का कलर काफी थोड़ा डार्क लग रहा है। एक्चुअली ये धूप में अच्छी लगती है, लेकिन रात के समय पर ये एकदम फेंटेड लगती है, यानी कि एकदम डार्क कलर लगता है, एकदम ब्लैक कलर लगता है, जो कि अमांडा को बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस गाड़ी को एक बढ़िया सी मॉडिफिकेशन दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप अगर सोच रहे हो कि इसको ट्यून इन करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी का कलर चेंज करवा लेते बेनी से, इस गाड़ी पे बढ़िया सा रैप बिठा लेते। एक्चुअली इस गाड़ी पे अभी जो कलर है ना, ये एक ओरिजिनल कलर है मर्सिडीज मेबैक का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी पर बढ़िया सा रैप करवा लेते, वो भी डुअल टोन में, जैसे कि अपने रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी को था। तो गाइस एक काम करते हैं, अगले वीडियो में ना अपन इस गाड़ी पर बढ़िया सा रैप लगवाएंगे। लेकिन इसके लिए भाई मुझे आप लोगों से पूछना है कि यार अगले वीडियो में अगर आपको इसका रैप देखना है तो इस वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसमें डुअल टोन वाला कौन से कलर का रैप मैं बिठा दूं यार। क्योंकि जब से मैंने ये गाड़ी लिया ना, आप लोगों को ये गाड़ी काफी ज्यादा पसंद आई है और ये गाड़ी समझो आप ही लोगों की है, बस चला मैं रहा हूँ, यानी कि मेरा ड्राइवर चला रहा है। बस यार एक काम करो, आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इस गाड़ी पे कौन सा रैप करवाए अपन। वैसे गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो भाई यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं भाई, आप लोगों को बताने की अलग से जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को फॉलो भी करना है, इस पेज को फॉलो भी करना है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। देखते ही देखते हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं, फटाफट से जाते हैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं यार। ऑलराइट, तो हमने फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर पार्क कर दी और ड्राइवर बाहर खड़ा है। ऑलराइट ट्रेवल, तो एक काम कर, तू फटाफट से बेनी के पास जा और उससे ना बढ़िया बढ़िया डिजाइन लेके आए अपनी मेबैक के मॉडिफिकेशन के लिए। तो गाइस अभी ट्रेवर यहाँ से निकल रहा है बेनी के गैराज पे, क्योंकि उसे ना मैंने एक बढ़िया सा काम दिया, वो है गाइस कि यार मेबैक के मॉडिफिकेशन के हमें कुछ कलर्स की आवश्यकता है और वो वहाँ से बुकलेट लेके आने वाला है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपने घर पे जाके मस्त आराम फरमाता हूँ। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फॉलो भी कर लेना अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइस, आपको पता है मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ और मेरे फेसबुक पे 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ उस 2 लाख के अपन 3 लाख करते हैं। जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो जाए मेरे फेसबुक के चैनल को फॉलो करे
और उसी के साथ साथ जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे जाओ, 2.5 लाख दो लाख प्लस अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स है तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो। एनीवेज गाइस टेक केयर गाइस, बाय बाय।